नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम न्यू गाइडलाइंस फॉर प्रेसिडेंट स्काउट रोवर रेंजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट टू ब्रिंग बाय द कैंडिडेट। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, वो हमने देखा था। बाद में ये जो पांचवा और छठा जो पॉइंट है वो कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और डायरेक्ट हम सातवें पॉइंट पे आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट टू ब्रिंग बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग कैंप। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो दो लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले हम स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में क्या कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लानी है वो यहाँ पे दी गई है। तो देखते हैं एट स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप फॉर प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट। तो कैंडिडेट्स जो है, जो स्काउट गाइड रोवर रेंजर प्रेसिडेंट स्काउट एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना चाहते हैं, तो उन लोगों ने स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए क्या क्या लाना चाहिए, मतलब ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एज प्रूफ, मतलब आपकी उम्र कितनी है, आपकी आयु कितनी है, इसका एक प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द एप्लीकेंट इज स्टडिंग। इन केस द कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फोटो कॉपी ऑफ द बोर्ड सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड शुड बी सबमिटेड इन द स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर वेरीफिकेशन। यानी कि आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए। तो एज प्रूफ के तौर पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट जो किसके द्वारा इशू किया जाएगा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी कि आप जिस कौन से भी स्कूल से हो या कॉलेज से हो, तो वहाँ के प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप जो होती है वो उस एज प्रूफ पे होनी चाहिए, उस सर्टिफिकेट पे होनी चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैज़ अपियर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया हुआ है और उसका रिजल्ट लग चुका है, तो उस बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आपका रिजल्ट होगा, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, लिखा होगा, वो सर्टिफिकेट बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसका जेरोक्स कॉपी आपको लेना है। और वो कैसा होना चाहिए, अटेस्ट किया हुआ रहना चाहिए। और ये जो एज प्रूफ है वो देखा जाएगा एट स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। मतलब वहाँ पे आप जब स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में जाएंगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो उस वक्त ये सर्टिफिकेट आपके पास या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का मार्क लिस्ट होगा जिसपे डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगले डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या है। प्रोफिशिएंसी बैच सर्टिफिकेट्स फ्रॉम ऑथराइज एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय लोकल और डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। आपके जो प्रोफिशिएंसी बैजेस होते हैं, वो प्रोफिशिएंसी बैजेस आप लगाते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपके पास होने ज़रूरी है। और ये जो सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय लोकल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा ये सर्टिफिकेट क्या होने चाहिए, वैलिडेट किए होने चाहिए। इसके बाद इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टू ब्रिंग विद देम इंडिविजुअल प्रोग्रेस कार्ड, लॉग बुक। देर इज़ नो बार फॉर प्रिपेयरिंग लॉग बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोग्रेस कार्ड। आपका जो प्रोग्रेस कार्ड होता है, जैसे कि आपके स्कूल में होता है, उसी तरह आपका स्काउटिंग में भी ये प्रोग्रेस कार्ड होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही में आपके लॉग बुक्स, जो आप वेरियस प्रोफिशिएंसी बैचेस आप करेंगे, तो वो प्रोफिशिएंसी बैचेस होंगे या आपके कोई भी प्रोजेक्ट होंगे, जो भी प्रोजेक्ट होंगे, साथ ही में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोफिशिएंसी बैच होगा, तो ये सभी के लॉग बुक्स जो है, एम्बुलेंस मैन के लॉग बुक है, तो ये सभी तरीके के लॉग बुक आपके पास होने ज़रूरी है। देर इज़ नो बार फॉर प्रिपेयरिंग लॉग बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज, सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि लॉग बुक कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, कौन सी भाषा में होना चाहिए, तो ये जो लॉग बुक है वो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बना सकेंगे। मतलब आपकी लॉग बुक इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, मराठी में भी हो सकती है, तमिल में भी हो सकती है, तेलुगु में भी हो सकती है, या बंगाली में भी हो सकती है। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आप अपना लॉग बुक बना सकेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश या हिंदी में ही होगा, एग्जामिनेशन जो होगा नेशनल लेवल का, ये याद रखना है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट्स एंड मटेरियल्स रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी बैचेस स्किल्स। साथ ही में
जो भी सर्टिफिकेट्स रिलेवेंट होंगे इसके बारे में, प्रोफिशिएंसी बैजेस या आपके पास कौन से स्किल्स है उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी है, साथ ही में रिपोर्ट्स जो आपने बनाए हैं और ये जो प्रोफिशिएंसी बैजेस है उससे संबंधित जो भी मटेरियल होगा वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑल द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी इन करेक्ट एंड कंप्लीट यूनिफॉर्म एज पर APRO पार्ट 2 और पार्ट 3 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द कैंप। मतलब जब भी रजिस्ट्रेशन होगा उस कैंप में, स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में, तो उस वक्त सभी जो उम्मीदवार होंगे उनके पास APRO 2 स्काउट और रोवर्स के लिए और APRO 3 फॉर गाइड्स एंड रेंजर्स के लिए, उसके हिसाब से आपका कंप्लीट यूनिफॉर्म आपके पास पहना हुआ होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द कैंप। आगे देखते हैं, टेस्टिंग कैंप विल बी फॉर फुल 5 days एंड रेसिडेंशियल इन नेचर। और ये जो स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप होगा प्रेसिडेंट स्काउट अवार्ड के लिए, तो ये जो टेस्टिंग कैंप होगा वो पूरे 5 दिनों का होगा और रेसिडेंशियल होगा, मतलब रेसिडेंशियल इन नेचर, यानी आपको वहाँ पे निसर्ग निवास करना होगा, वहाँ पे आप रहेंगे, रेसिडेंशियली रहेंगे, ना कि आप हर रात घर जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे और 5 दिन के लिए, पूरे 5 दिनों के लिए रहेंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउडेड टू लीव ड्यूरिंग द कैंप फॉर एनी रीज़न। और किसी भी उम्मीदवार को कैंप के समय किसी भी रीज़न के चलते अलाउ नहीं किया जाएगा कैंप छोड़ने के लिए, कैंप साइट छोड़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू ब्रिंग बाय कैंडिडेट। मतलब आपको जो भी चीज़ें स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप के लिए लानी थी वो इस इंस्ट्रक्शंस में दिया है। अब आगे देखते हैं, अभी एक आपका पड़ाव पूरा हो गया है, अब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का पड़ाव बाकी है। तो आगे देखते हैं नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। पहला रिक्वायरमेंट है एडमिट कार्ड इशूड बाय थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी। मतलब जब आप स्टेट लेवल टेस्टिंग कैंप में पास हो जाएंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए, तो उस वक्त आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है www.bsgindia.org पे, और आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। साथ ही में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये जो एग्जामिनेशन होंगी वो किसी सेंटर पे होंगी जहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपके पास एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो आपके पास इन सभी में से एक कौन सा भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो इन सभी में क्या क्या दिया है, आधार कार्ड जो हर एक के पास होता ही है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो स्काउट गाइड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्टेट, मतलब आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, स्काउट गाइड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय स्टेट, स्टेट को आवेदन करके आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आगे स्कूल आईडी, यदि आपका स्कूल का आईडी है, स्कूल का या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है तो वो भी चलेगा। यदि आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकेंगे एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। चलो मान लेते हैं पासपोर्ट भी नहीं है, तो आगे क्या है, आईडी इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये वाले आधार कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का आईडी कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह, बैंक पासबुक, जो कुछ भी है वो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये थे नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस के लिए गाइडलाइंस, जो स्काउट डॉक्यूमेंट्स स्काउट गाइड रोवर रेंजर को एग्जाम के वक्त लाने थे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कैंप होंगे टेस्टिंग कैंप, तो उस वक्त कैंप के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स लाना ज़रूरी है, ये आज की इस वीडियो में हमने देखा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सअप पे ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।